ऑनलाइन के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो खबर आ रही है, ये खबर देख करके और सुन करके आज आप कहेंगे पत्रकारिता और राजनीति इसको शर्मसार कर रही है पूरी तरह से। और ये किसने किया है? जिया सा बड़ा नाम है, महाराष्ट्र के बड़बोले नेता और महाराष्ट्र सरकार में आज सबसे बड़े पावरफुल नेता संजय रावत हैं, जो कि सामना के संपादक हैं। इससे पहले सामना के संपादक उद्धव ठाकरे थे, और आपको बता रहा हूं आज उन्होंने जो कंगना रनावत को लेकर के और यहां पर अर्णब गोस्वामी के लेके जो कुछ पत्रकारिता में लिखा है, लोग सोशल मीडिया पर तो अब तक लिखते थे, लेकिन यहां पर वो हरामखोरी वाले शब्द पत्रकारिता को तार तार कर दिए। और आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा संजय रावत का वो एक्सक्लूसिव सामना, जिस सामना में हरामखोरी को ऑफिशियल लैंग्वेज तक एक तरह से घोषित कर चुकी है। उस हरामखोरी को नॉटी कहने वाले हरामखोर शब्द को ऑफिशियल कैसे घोषित करने। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज देश में शब्दों की मर्यादा अगर कोई खो रहा है तो अब तक टीवी डिबेट में समझ में आ रहा था, लेकिन आज पत्रकारिता में लिखे शब्दों में सीधे तौर पर यहां तार तार की जा रही है। चलिए ले चलता हूं क्या है पूरी खबर। अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में मुखर रहने वाली कंगना रनावत और शिवसेना के बीच बीते कुछ दिनों में जुबानी जंग वो है पूरी तरह से अब इसमें पीक पर है। और कंगना रनावत और संजय रावत के बीच तकरार भी बीच में आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अभिनेत्री पर निशाना साधते हुए अब तक जो उन्होंने शब्द को अपने जबान से बोला था हरामखोर, और जिसको उन्होंने नॉटी कहा था, और नॉटी का मतलब हरामखोर होता है, जिसको लेकर वो काफी ट्रोल भी हुए थे, लेकिन आज उन्होंने इस बात को अपने सामना के जरिए हरामखोर शब्द को ऑफिशियल बना दिया। उन्होंने लिखा, इतना ही नहीं, साफ तौर पर उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने लिखा कंगना रावत को हरामखोर कहने वाले संजय रावत को इंटरव्यू के लिए चुनौती देने वाले रिपब्लिक भारत टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर भी मुखपत्र में सामना में निशाना साधा गया और देशद्रोही बताया गया। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में आए लेख में बिना नाम लिए कहा कि राजनीति के एजेंडे के सामने लाने वाले देशद्रोही पत्रकार सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है। यानी कि अब पूरा का पूरा देश हरामखोर हो गया। जी हां साहब, पूरा का पूरा देश हरामखोर हो गया है। अब आप कहेंगे ये मैं कैसे कर रहा हूं। इन्होंने कहा है कि जो लोग कंगना रनावत को और अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हरामखोर होते हैं, ये इन्होंने खुद कहा है। और आज रिपब्लिक भारत नंबर वन पे है, यानी कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड रिपब्लिक भारत ने तोड़ दिए हैं। कंगना रनावत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी पूरा देश क्या हो गया है, हरामखोर हो गया है। ये भारत ये सामना में लिखा गया जो है, जो संजय रावत का बयान है, उस बयानों का साफ तौर पर मतलब यही निकाला जा सकता है कि हिंदुस्तान अब हरामखोर हो गया। संजय रावत जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और एक चीज भी कहना चाहूंगा जो शब्दों में आप थोड़ा समझिएगा। हरामखोर का मतलब नॉटी नहीं होता है, क्योंकि आप एक बार आपके अलायंस पार्टी सोनिया गांधी मैडम को माफ कीजिएगा, मैं मेरे शब्द नहीं है ये, अगर संजय रावत हरामखोर को नॉटी कहते हैं और सोनिया गांधी को अगर कोई हरामखोर कह दिया तो ये गलत शब्द है। या राहुल गांधी को हरामखोर करके देख लीजिए आप क्या कहेंगे, साहब हरामखोर नॉटी नहीं होता। और आप पूरे देशद्रोही, आप पूरे देश को हरामखोर कह रहे हो, ये बात कहीं से भी हजम नहीं होती। आगे भी वीडियो बहुत कुछ आना बाकी है और आप सबको आज ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। आप हरामखोर हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं संजय रावत, और ये खबर फेक नहीं है। आप सामना में जाकर देख सकते हैं कि हरामखोरी की जो डेफिनेशन दी है कि जो लोग अर्णब गोस्वामी को पसंद कर रहे हैं, जो लोग कंगना रनावत को पसंद कर रहे हैं, वो भी हरामखोरी है। तो हरामखोरी ऑफिशियल वर्ड बन चुका है, कहां का ऑफिशियल शब्द बन चुका है, महाराष्ट्र का। उद्धव ठाकरे संज्ञान में ले तो अच्छी बात है, नहीं संज्ञान में लेते तो वह उनके लिए वाकई में एक शर्मसार करने वाली बात। आगे बढ़ता हूं, अभी हरामखोरी से इतने ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, संजय रावत मुख्य पत्र में एडिटर हैं और इससे पहले भी वो कंगना के हरामखोर का शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। सामना में लिखा गया है कि राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकारों का राजद्रोह का
समर्थन करना भी हरामखोरी है। मतलब माटी से बेईमानी ही है। जो लोग महाराष्ट्र के बेईमानों के साथ खड़े हैं उन्हें 106 शहीदों के बददुआ तो लगेगी, लेकिन राज्य के 11 करोड़ जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। हिंदुत्व और संस्कृत का धर्म और 106 शहीदों के त्याग का अपमान किया गया है तथा ऐसा अपमान करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र पर नशे की पिचकारी फेंकने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार विशेष सुरक्षा की पालकी का सम्मान दे रही है। अब समझिएगा यहाँ पर इन्होंने किसको निशाना साधा है। इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर निशाना साधा है पूरे के पूरे देश को और केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार ने वाइस प्लस की वाइस सिक्योरिटी दे दी है। किसको दी है? कंगना रनौत को। और कंगना रनौत को सिक्योरिटी देने के नाते पूरा देश हरामखोर हो गया। अब केंद्र सरकार पर भी हरामखोरी का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुखपत्र में उन्होंने लिखा कि कन्ना मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने को बयान कहा गया है। मुंबई किसकी है यह सवाल ही कोई पूछे ना। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है लेकिन देश का सबसे बड़ा आर्थिक लेन देन का केंद्र भी यहाँ, इसलिए मुंबई के लिए 106 मराठी बलिदान ने दिया है। इसके लिए मुंबई महाराष्ट्र की है, मुंबई में ईमान से रहने वाले सब लोगों की है क्योंकि हिंदुस्तान की है। इससे पहले वह छत्रपति शिवाजी शिवराय की महाराष्ट्र की है, इसलिए वह हिंदुस्तान की भी है। मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करना, मुंबई पुलिस को माफिया आदि बोलकर खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के लक्षण है। एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, अगर पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर का उन्होंने एक उदाहरण दिया, अब आप खुद सोचिए सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है या हत्या है, दोनों केसेस में मुंबई पुलिस एक रिपोर्ट नहीं लिखती है। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जब कानून व्यवस्था ही किसी देश को, किसी जगह को, वहाँ की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, और जब कानून व्यवस्था ही तार तार हो जाए तो ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बनना तो तय ही, क्योंकि पीओके में क्या है, पीओके की जमीन नहीं वहां पर वो आतंकवादी है, पीओके की कानून व्यवस्था आतंकवादी वाली है। लोगों को समर्थन जो देने वाले लोग वो आतंकवादी, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन आतंकवादी वाला, इसलिए पीओके कहा जाता है। और आज अगर ये मुंबई पुलिस को और इसको कह रहे हैं, एक बात आप खुद बताएं संजय राउत अपने शब्दों में कि क्या कारण था कि एक रिपोर्ट नहीं लिख पाई खुद मुंबई पुलिस उस मर्डर को, आया आत्महत्या का जो भी कहें सुशांत सिंह राजपूत को, अगर आत्महत्या था तो भी एक FIR को लिखनी बनती थी। आगे बढ़ते हैं। सामना में कंगना को वाइस की जो श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर केंद्र सरकार का निशाना भी साधा गया है। सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ मराठी जनता और मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध प्रतीत होता है, लेकिन जब ऐसा अपराध करने वाले लोग राष्ट्रभक्त मोदी सरकार का गृह मंत्रालय सुरक्षा कवच देना खड़ा होता है, तब हमारे 106 शहीद स्वर्ग के आंसू बहा रहे हैं। और अहमदाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, वाराणसी, रांची, हैदराबाद, बेंगलुरु और भोपाल जैसे शहरों के बारे में अगर कोई अपमानजनक बयान देता है तो केंद्र उसे वाई सुरक्षा की पालकी दी होती है। क्या महाराष्ट्र में भाजपा स्पष्ट करें देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री या गृहमंत्री शाह नाम अरे तुरे से उच्चारण करने वाले 3 चैनलों के मालिकों को भाजपा वाले समर्थन दिया होता क्या? अब आगे उन्होंने लिखा, मुंबई पर अपना हक जताने वाले बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन मुंबई देवी का ही प्रसाद है। मुंबई या मुंबा देवी कोली लोगों की कुल देवी हैं। मुंग नामक एक कोली एक इस देवी की स्थापना, इसलिए उनके नाम पर पहले मुंगाची आई और पड़ा महा अंबाई और फिर उसके बाद मुंबई का आसान नाम देवी को मिला। ऐसा कई लोगों को लगता है, कोई कहता है कि मुंबई मृणमेघ का ही रूप है, ऐसी देवी का स्वरूप है। तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के करना हमारे देवी का ही अपमान होगा। संजय राउत भी, हमें लगता है कि आप इसको दिल पर ले रहे हैं और आपने हरामखोर शब्द कह के किस प्रकार से अपमान किया एक महिला को आप साफ ही जानते हैं। और आज आप 106 जवान के पीछे और देवी के पीछे छुप करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब आपने महिला का अपमान नहीं किया। महिला सशक्तिकरण की बात हर कोई करता है और जब महिला एक सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाती है तो उस महिला के लिए क्या कहा था? आप कहेंगे रिया चक्रवर्ती भी एक महिला है, लेकिन साहब महिला अगर अपराधी है या अपराध में उसको पाया गया है, उसका हो सकता है सशक्त मतलब उसके लिए सस्पेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ तो ट्रायल होगा ही होगा। और कंगना विवाद के बहाने शिवसेना ने चीन विवाद को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। शिवसेना लिखा, आज इस प्रकार से सारे भाजपा वाले महाराष्ट्र द्रोहियों के साथ खड़े हैं, उसी विश्वास के साथ हमारी सेना
सीमा में घुसे चीनी बंदरों के बारे में कई हिम्मत दिखाई होती तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर देश की बेइज्जती ना होती। तो यह है साहब, देश हरामखोर हो चुका है, देशवासी हरामखोर हो चुके हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं वो हरामखोर हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार का यहाँ संजय राउत वक्तव्य दे रहे हैं। बाकी इनके शब्द हैं, इसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते। बने रहे ओली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।